हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक DIY। जी हाँ जी, आज लोगों के लिए एक DIY लेकर के आ रही हूँ। ये है साड़ी जो मेरे पास बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो मैं आज इस साड़ी से बनाऊंगी डबल बेडशीट और कुशन कवर और पिलो कवर। तो चलिए एक साड़ी से देखते हैं कैसे तीनों चीज़ बन जाते हैं और कैसे लगते हैं। अगर आपके पास भी है तो आप भी इसे बनाना सीखें। देखिए, बेकार पड़ी हुई साड़ी कितनी खूबसूरत बेडशीट बनती है और यूज़फुल होती है। अगर आपके पास जॉर्जेट का है और पतली साड़ी है तो आप उसमें नीचे कवर लगा सकते हैं। अगर आपके पास में सिल्क की साड़ी है और मोटी है तो आप उस साड़ी से ऐसे ही कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेडशीट साड़ी से। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसका साइज़ देख लूँगी साड़ी को सही से फैला करके, ताकि ये दोनों तरफ से बराबर आए और इसका जो मेजरमेंट है एकदम सही होना चाहिए। तो मैं इसे पहले फैलाऊंगी, उसके बाद में इसको सही करके, उसके बाद में इसका कितना मुझे इसमें चाहिए सारा कुछ सेट करके देख लूँगी। तो मैंने उसका नाप ले लिया है और अब मैं कट कर रही हूँ। हमें पिलो कवर के लिए और कुशन के लिए अलग निकाल देना है, और जो बेडशीट का है वो अलग निकाल देना है। तो जो पल्ले का कपड़ा था उसे मैंने कुशन कवर और पिलो कवर के लिए निकाला है। इस हिस्से को मैंने अलग कर लिया। अब ये है मेरा बेडशीट का हिस्सा, ये देखिए, ये मैंने इसका लिया है कपड़ा। साड़ी थोड़ी सी इतनी पतली तो नहीं है कि हल्की हो, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ इनर इसमें लगाने के लिए। तो मैंने ये वाइट कलर लिया है इसमें पिलो कवर में इनर लगाने के लिए, और साथ में जो उसका पीछे का हिस्सा होता है वाइट लिया है, और जो कुशन है कुशन में मैंने लिया है ब्लू कलर का कपड़ा, क्योंकि मेरे पास वाइट कम था इसलिए मैंने वाइट नहीं लिया। और मैं इसमें लगाऊंगी अपने बेडशीट में जो है ये कवर, नीचे मेरे पास एक ओल्ड रखी हुई थी बेडशीट, मैं वही लगाऊंगी। मैंने कुशन को काटा है 40x40। पीछे के हिस्से मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं, एक थोड़ा सा छोटा रहता है, एक थोड़ा सा बड़ा रहता है, और फिर हम उसे पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कुशन मेरा जो पिलो कवर है वो तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से सिल लेंगे। लगभग 2 घंटे लगते हैं पूरा सेट तैयार होने में, और 2 घंटे में हमारा बहुत ही खूबसूरत बेडशीट तैयार हो जाता है। और अपने हाथ से तैयार की हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है, जब तैयार हो जाता है तो दिल खुश हो जाता है।
अगर हम इस तरीके से वर्क का या काम का लेकर के आएंगे पिलो कवर खरीदेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और हम इसे घर घर में जो हमारे पास बेकार पड़ी साड़ियाँ हैं जिन्हें हम पहनते नहीं हैं उनसे बहुत ही खूबसूरत सा पिलो कवर और कुशन कवर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। आइए अब हम तैयार करेंगे बेडशीट। अब हम इसके दोनों सिरे जो हैं उनको जोड़ देंगे। हमें इस तरीके से जोड़ना है कि जो बीच साइड में नीचे हिस्सा होता है वो दोनों एक समान बराबर जाने पाए। हमें ध्यान रखना है कि इधर उधर ना होने पाए, एकदम से बराबर चलना चाहिए। अब हम जो उसका कपड़ा है नीचे इनर का हम उसको लगा देंगे, और उसको लगा करके चारों तरफ से सिल लेंगे। इससे क्या हुआ कि हमारी बेडशीट इधर उधर खिसकेगी भी नहीं और काफ़ी अच्छी लगेगी। इस तरीके से हमें चारों तरफ से सिल लेना है। मैं इसमें साइड में दोनों तरफ से तीनों तरफ से फ्रिल जैसा हल्का सा लगाऊंगी वाइट का, जिससे कि बहुत खूबसूरत लगेगी बेडशीट। बहुत हल्की फ्रिल लगानी है ताकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगे, क्योंकि जो वर्क है वर्क साइड साइड में रहेगा और उसके नीचे फ्रिल रहेगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से पूरा सिल लेना है। ये देखिए तैयार हो गया है मेरा बेडशीट भी। हम कुशन कवर भी बना लेंगे। हमें नीचे इनर रखना है, उसके बाद में जिसका पीछे का हिस्सा बनाना है उसको रखना है, और जो दोनों टुकड़े हैं उनको रख करके सिल देना है पूरा। कुशन कवर बनाना काफ़ी इजी होता है। ये देखिए मेरा कुशन कवर भी तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका फाइनल लुक है ना, बहुत खूबसूरत बेडशीट तैयार हुई। और इसका कुशन कवर देखिए और पिलो कवर देखिए, कौन कहेगा ये देख करके कि ये बेडशीट कुशन कवर और पिलो कवर हमने घर में साड़ी से बनाया है।
और इसका ये लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई साड़ी तो आप भी बनाइए और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लुक देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। ये कुशन कवर कौन कहेगा कि हमने इसे घर में साड़ी से बनाया। और ये देखिए इसका फ्रिल जो हमने लगाया है, इससे हमारी बेडशीट और खूबसूरत हो गई है और बहुत ही क्लासी लुक लग रहा है। यकीन नहीं होता कि ये साड़ी से बना हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।